शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि दिन शनिवार को आ रही है। हम आपको बता दें कि यह शनिवार की तिथि बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाली है क्योंकि यह लंबे समय के बाद कृतिका नक्षत्र में दो योग के साथ आएगी। इस दिन शुभ योग के साथ साथ शुक्ल योग रहेगा जो आपकी खाली झोली को तो भरेगा, साथ साथ में श्री हरि की कृपा भी लेकर आएगा। तो आपने इस दिवस पर एक विशेष उपाय अपनी समस्या हेतु अवश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डालते हैं, आप अपनी समस्या हेतु एक विशेष उपाय से अवश्य कर लीजिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं यह विशेषकर धन प्राप्ति का उपाय है। साथ साथ में इस उपाय को करने से आपको विष्णु जी की कृपा भी हासिल होगी। इस उपाय को उन लोगों ने अवश्य करना है जिनके जीवन में व्यापार की वृद्धि ना होती हो, बार बार व्यापार बदलना पड़ रहा हो। तो अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, अपने व्यापार के ग्रोथ के लिए इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। और आपके भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो भी सबसे पहले देख सके। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को आपने प्रदोष काल में या फिर सूर्य अस्त होने के बाद में आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको आटे के 2 दीपक ले लेना है और इसमें आपको लंबी बाती भरनी है और साथ साथ में देसी घी भरना है। और इसके साथ ही आपको ज़रूरत होगी 1 चुटकी काले तिल की और साथ में आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। केवल इन सामग्रियों से आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपने पहुंच जाना है तुलसी माता के पास में और वहां पर आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। और आपने इसी दीपक के बीच में 1 चुटकी जो आपने हल्दी ली थी, थोड़ी सी आपने हल्दी इस दीपक के बीच में डाल देनी है और थोड़े से काले तिल भी इसके बीच में डाल देने हैं। और यहाँ पर आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का तो जाप करना ही है, साथ साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी 11 बार जाप अवश्य करना है। ऐसा करने से धन की लक्ष्मी तो आपके घर में आएंगी, साथ साथ में श्री हरि की कृपा भी आपके घर में आएंगी जिसकी वजह से आपके जीवन में संकट भी टल जाएंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। उसके बाद आपके पास जो यह 1 दीपक है और थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से काले तिल है, इसे लेकर आपको पहुँच जाना है पीपल के पेड़ के पास और वहाँ पर सबसे पहले आपने दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपने 1 चुटकी हल्दी जो थोड़ी सी बची हुई है और साथ में थोड़े से काले तिल के दाने हैं आपने इस दीपक में डाल देनी है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। कहते हैं जो भी इस प्रकार से दोनों जगह पर दीपक प्रज्वलित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करता है उसके घर में हमेशा ही स्थाई लक्ष्मी का वास होता है, विष्णु जी की कृपा उनके ऊपर बरसती है जिसकी वजह से उनके घर के संकट भी टल जाते हैं और धन संबंधी समस्याओं का छुटकारा भी हो जाता है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय मस्तुभ्याम लिखना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो बनाने के लिए। श्री शिवाय मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।